मसीह जी मेरे पति का जीवन बदल दे। मेरे खुदा को जो रोज ही मेरे खुदा यीशु मसीह नशे के आती है, मेरे खुदा उनके जीवन को बदल दे। मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे खुदा तेरी बेटी दिल से दुआ मांगती है। मेरे खुदा तूने मेरी दुआ को सुना मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा तू पहले भी सुनता था, अब भी सुनेगा। मेरे खुदा मैं छोटी सी दुआ को मांगती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। माना तो सुन गई है, मैंने तो टाइम भी नहीं देखा, वो 11:30 हो गए। इसके पापा नहीं आए अभी तक, फोन करके देखती हूँ। हेलो, कितनी रात हो गई, आप अभी तक आए नहीं, अभी तो टाइम भी कितना हो गया। आज मैं मेरे दोस्त के ना यहाँ पार्टी चल रही है, आज मैं खाना खाकर बच्चे को खिलाकर। चलो ठीक है, फिर आप आ जाना। मैं आ रहा हूँ। आ गई आप, देखो तो उन्होंने क्या हालत बना रखी है आपकी। प्रभु अब तू ही इनको बदल सकता है, मैंने तो तुम्हारे आगे इनके लिए बहुत प्रार्थनाएं की है। धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद, तुमने आज का दिन दिखाया। मैं आज ना काम पर होते हुए लेकर आऊंगा, शाम को लेकर आऊंगा पक्का। ठीक है, शाम को लेकर आऊंगा पक्का एरोप्लेन ना आपको। अब मैं जा रहा हूँ, है ठीक है। चलो ठीक है बेटे, बाय। हाँ सर, हो जाएगा आपका, डेफिनेटली हो जाएगा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं होगी, टाइम से डिलीवरी हो जाएगी आपको। हाँ, मैंने बिल्डिंग करवा दी है। हाँ जी जी जी। हाँ संजय, अभी यार बिजी हूँ, ऐसा कर तू आ जा आधे घंटे के बीच में, कोई नहीं यहीं पर कर लेते हैं, रखी हुई है मैंने। हाँ हाँ, आधे घंटे के बाद आ जाना। और भैया कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, और सुनाओ? बहुत बढ़िया, कैसे आज टाइम मिल गया? टाइम मैं इधर ही से जा रहा, मैंने कहा सर भैया फोन करता हूँ, शायद सामान मिल जाए। हो गया फिर, आपकी कंपनी हो जाती है, अच्छा होता। अच्छा वो एक बात करनी थी आपसे, जो आपने उस दिन रखी हुई यार, टेंशन क्यों ले रहा है तू यार? कोई बात नहीं, काम कर लो। अगर हो गया मैं हो गया
यार दो साल से बड़ा काम है सुना भाई बात बड़ी है पति और पत्नी हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो इसलिए कि यदि इनमें कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे वह सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाए। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि खुदा मेरा पति भी मेरी अच्छी चाल चलन को देखे और मेरे खुदा वो भी खींचा तुम्हारी ओर चला आए। मेरे प्रभु मेरी विनती को सुनो मेरे खुदावन खुदा प्रभु मैं तुमसे मांगती हूँ मेरे खुदा कि तू मेरी दुहाई को सुनेगा मेरे खुदा और आज मैं उनका जीवन बदला हुआ देखूँ मेरे प्रभु मेरे खुदा यीशु मसीह जी मेरे पति का जीवन अब मैं बदला हुआ देखना चाहती हूँ खुदा प्रभु के नाम में मांगती हूँ। संजय क्या हुआ? दिल नहीं कर रहा है। अरे उस दिन तो बहुत मजे लेकर पी रहे थे। क्या हो गया आज? पता नहीं क्या हो रहा है ये। कोई बात नहीं पियो पियो कोई बात नहीं। अजीब सा हो रहा है मन नहीं कर रहा है। संजय पता नहीं आज क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिल नहीं कर रहा है मन नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है चलो मैं ही पी लेता हूँ उसे भी। बाइक है जी ये मेरा बेटा चलाएगा इस पर बैठ पर स्कूल जाएगा जी। मान के मम्मा ना पानी लाओ। आज आप बहुत जल्दी आ गए। वैसे फ्री हो गया था ऑफिस में छुट्टी का समय था मैं घर ही चलता हूँ फैमिली के साथ बैठते हैं। आज बहुत जल्दी घर में आ गई। क्या लगता है खुदा ने मेरी दुआ को सुन लिया? प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने सचमुच मेरी दुआ को सुना।
ऊपर का कब से? जब से आप काम पे गए हैं तब से इसको बुखार है। तो आपने फोन नहीं किया मुझे? मैंने सोचा कि अच्छी हो जाएगी लेकिन इसको बहुत तेज बुखार है। मेरे पास तो है भी नहीं कुछ है, और जो मैं किसी से मांगूंगा तो मेरी पुराने जीवन वाली जो कोई नहीं देगा मुझे, फिर कैसे क्या करें? मेरे पास बस ये थोड़े से पैसे है। कैसे बात बन जाएगा? अरे यार, 3-4 दिन हो गए मैंने खाना भी नहीं खाया। अगर मैं किसी से सहायता मांगता हूँ तो मुझे कोई सहायता भी नहीं देता। चलो देखते हैं, परमेश्वरी शायद मुझ पर दया कर दे। यार मेरी मदद कर दो यार, मैंने 30 दिन से यार कुछ खाया नहीं। धन्यवाद भाई। बेटी के लिए दवाई के लिए भेजे थे पैसे, वो उनको मैं क्या कहूँगा? चलो ये हुआ मेरे साथ, यहोवा ही करेगा। अमानत ठीक हो गई। कब? जब आप गए थे ना, पता नहीं कैसे चमत्कारी हो गया प्रभु का, जो बिल्कुल अब अच्छी है। कहानी के द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम कैसे भी हालात में हों, हमें हमेशा दूसरों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी हम पर दया करता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, धन्य है वह जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी।